अस्सलाम वालेकुम। सो ये मेरी टीम थी और हमने बहुत इन्जॉय किया, आसिफ भाई से सीखा, मेकअप आर्टिस्ट से सीखा और ये सब कुछ सीखा। तो अब जो है ये कुछ कहना चाहेंगे तो आप लोग मेरे बारे में कुछ थोड़ा बहुत। भाई हम ये कहना चाह रहे हैं कि रहमान भाई ने बहुत ज़्यादा हमें जो है ना सपोर्ट किया, ठीक है, अच्छे अच्छे जो है ना शॉर्ट्स उन्होंने लिए। तो सारे पैसे ये है कि आप रहमान भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे पैसे सब्सक्राइब करने के हैं। थैंक यू सो मच, और घंटा जरूर दबा देना। अस्सलामुअलैकुम। आज जो है शूट का लास्ट डे और आज थोड़ा लेट निकलना था, जुम्मा है, बट 12 बज गए और मैं जा रहा हूँ। गाड़ी अभी तक नहीं है, मैं थोड़ा पहला निकल रहा हूँ आज, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आज जो है हम सचल गोट की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा दूर है रास्ता बट जाना है। तो हम फिर मिलते हैं सचल गोट में इंशाल्लाह, ठीक है। तो जैसा कि मैं नाइट में हर टाइम एंड में एक वीडियो बनाता हूँ कि हम किस टाइम फारिग हो रहे, तो आज थोड़ा और लेट हो गए। बॉस जब बातें शुरू करता है तो वो चुप भी नहीं होता, और हसीब भाई ने भी पैकअप कर लिया है, लाइट उन पे पड़ रही है। अच्छा, वो लाइट मार रहे हैं। थैंक यू सो मच हसीब भाई, और फिर हम मिलते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो करें सब्सक्राइब, करें, अच्छा होगा, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच। इन वीडियोस के थ्रू आपकी लर्निंग हुई है कुछ, स्ट्रेच तो होता है क्या बेसिकली? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो होती रहेगी, तो हम दिखाते रहेंगे और भी वीडियोस। और अपने लर्निंग जो है रहमान के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। तो बेसिकली बस आज पैकअप है हमारा, शूट का लास्ट डे था और हम आए हुए थे दुआ रेस्टोरेंट। दुआ ज़रूरी है ना,
आखिर में दुआ भी कर लेंगे, हमारा पैकअप भी होगा, सब कुछ खत्म और बस अब खाना खाएंगे मामा। और ये हमारे मामा है, मामा ने हमें बहुत एंजॉय कराया। अलविदाई प्रोग्राम है यार, ये मामा की मेहरबानी है, खुशी भी हो रहा है। नहीं मामा की मेहरबानी है ना, हमें इतनी अच्छी जगह कोई बात नहीं, हम हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलो अस्सलाम वालेकुम। सो ये मेरी टीम थी, पिछले 7 दिनों से हम जो है सारी वीडियोस बना रहे थे। आसिफ भाई मेकअप आर्टिस्ट और मुजम्मिल, नौरोज, फहीम, नौरोज टू और हमारे ड्राइवर साहब, हमने बहुत एंजॉय किया। सऊद रह गए, दोबारा फिर से